सभी बच्चों को और सभी लोगों को हमारी तरफ से 17वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि राघव सर क्या बात है, आप 1 तारीख से क्लास बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट किए थे और फिर अचानक से 2 दिन से नहीं हो पा रही है। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि हम एक प्रकार से बीमार हो गए हैं। बीमार होने का मतलब ये है कि हम लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और इधर जांच उधर जांच, और अभी तक का कुछ रिपोर्ट में निकल नहीं पा रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और ये स्थिति है कि हम थोड़ा सा अपने पैर की वजह से खड़े नहीं हो पा रहे, तो बस समझ सकते हो ना, कोई चोट है ना पोट है, बस ये इसकी वजह से मैं आपको सूचित कर दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ, इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। और जैसे ही मैं दोबारा स्वस्थ होता हूँ, मैं पुनः क्लास लूँगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लो। और यही है हमारा जो संदेश है आप सबको कि आप सब हमारा सपोर्ट करते हो हमेशा हर टाइम। और आप सब जानते हो कि पिछले कुछ टाइम से हम ज़्यादा ही बीमार रहने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप चेहरे से भी देख रहे होगे कि चेहरा पूरा उतरा हुआ है, बीमारी का असर दिख रहा होगा। और घर वाले बस लेके इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और ये सब लोग बस दौड़ भाग रहे हैं, और जितनी जल्दी ईश्वर करे सही कर दे, हमें स्वस्थ कर दे। हमें खुद अफसोस हो रहा है भाई, कभी इस तरह बेड पे लेटने की आदत तो है नहीं कि बिस्तर पे पड़े रहें, हमेशा कार्य किया है, हमेशा भाई सब पढ़ाने की आदत रही है, तो ये कार्य हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए प्रयास ये है कि बस आप लोग सब दुआएं करिए कि कितनी जल्दी हम स्वस्थ हो जाएं, और भोलेनाथ का और बजरंगबली का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम स्वस्थ होंगे और आप सबके साथ दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बस इसी उम्मीद में हम समझो लगे हुए हैं, और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब 17वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। ठीक है, तो हमने आपको पूरी बात बता दी, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। और बच्चे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो दूर की बात है, हम ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे इस समय। सब जगह परेशान हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, बस एक ही चीज़ याद आ रहा, हारे का सहारा बाबा श्याम हुआ रहा। ये समझो, डॉक्टर तो कुछ बता नहीं पा रहा है, अब ईश्वरी कुछ ना कुछ कर दे चमत्कार तो अलग चीज़ है। चलिए, लेकिन मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि भाई साहब टेंशन लेने से कुछ मिलने वाला है नहीं, जो ईश्वर ने लिखा है वैसे ही होगा आगे। तो एंजॉय करते रहिए, और पुरानी क्लासेस जो पढ़ी है वो पढ़ते रहिए, और जो हमारी क्लासेस वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, हम जैसे स्वस्थ होंगे आप सबके बीच लाइव आएंगे, और आप सब देख ही रहे होंगे फिनिक्स एकेडमी पर सचान सर, अम्बुज सर, सब लोग अपना वीडियो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप सबको, सबकी क्लासेस आप इंजॉय करिए और सबसे पढ़ते रहिए। सभी को हमारा संदेश है, चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, हमारी भावनाओं को आप समझिएगा। ठीक है, हम चीज़ें जब खुल के अगर नहीं बता पाए ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप व्यर्थ का अनर्थ ले लें, है ना। चलिए, तो स्वस्थ रहिए, समय समय पर अपडेट देते रहेंगे जैसा होगा। जय हिंद, जय भारत।